सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार आप लोगों के साथ एक पवित्र आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Once again, I thank Lord for this wonderful opportunity God has given to worship Him together with you. हमारा उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन और एक आराधना में आज हम लोग शामिल हैं। After a prayer meeting and fasting, in this prayer meeting again we are assembled here. I am thankful to the Lord for this. Praise the Lord. परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा हुआ है। It is written in the Bible so. दो और तीन परमेश्वर के नाम से जहां एकत्र होते हैं उनके मध्य में हमारा प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। Wherever two or three together, they gather, I will be there in the midst of these people. Praise the Lord. आज सबसे बड़ी बात है हमारे परमेश्वर से आराधना में उपस्थित है। Praise the Lord. The big thing is the God is present in this meeting. उनके उपस्थिति में उपस्थित होने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए हम मिलकर परमेश्वर को तारीफ करना चाहिए। Let us praise God for this wonderful opportunity that God has given us to praise Him. कल मैं अपने गवाही छोटी शब्द में मैं बता दिया। Yesterday I told my testimony in short. पिछले कई सालों से दिल्ली शहर में परमेश्वर के सेवकाई में हैं हम। For many years I am working in the service of the Lord in Delhi in India. मैं सेंट्रल वेस्ट रीजन चर्च ऑफ गॉड का एक पासवान हूँ। आई एम अ पास्टर ऑफ चर्च ऑफ गॉड इन सेंट्रल मिनिस्ट्री। दिल्ली में जो रहने वाला सबको मालूम है दिल्ली जो हाउस कास्ट है जो जहाँ मैं रहता है वहां से 20 किलोमीटर आगे जनपुरी नाम का जगह है वहां मैं सेवकाई करता हूँ। इन दिल्ली देयर इज अ प्लेस नोन एज जनकपुरी। आई सर्व ओवर देयर। हालेलुया। मेरे परिवार भी आज हमारे साथ हैं। My family member, my wife is with me here. हम लोग इस जगह में आने के कारण जो आप लोग इन दिनों में जो प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के दास जो है जॉर्ज उटी अंगल की उनकी जो बेटी जो जसिमोल और उनका परिवार है उनके कारण हम यहाँ आज है। सिस्टर जेसी और ब्रदर जॉन के मम्मी और डैडी जो बीमार हैं उनके कारण से Again, we are here according as per the relation with the that Praise the Lord. Father of Sister Jesse is he is ill over there. So on account of that, we are here. Amen. Praise the Lord. ज्यादा समय में लेना नहीं चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी प्रभु के वचन से कुछ शब्दों आप लोगों के साथ शेयर करके मैं जल्दी से जल्दी बैठना चाहता हूँ। I'll take very little time with. The word of God and I'll share and I'll just complete it. ऐसे जो समय मुझे दिया हुआ जो स्थानीय कलीसिया का जो पासवान पास्टर सोलोमन नेल्सन और उनका परिवार प्रिया कलीसिया और अभी हमारे बीच में जो परमेश्वर के वचन से जो बात किया हुआ जो परमेश्वर का जो अभिषेक दास जो मैथ्यू अब्राहम सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I thank God for Pastor Nelson and his family and another pastor who shared the word of God and I ask mercies for them. हम वचन की ओर ध्यान देंगे। एफेशियन की जो पत्री उसका पहले अध्याय का नौवां पद हम पढ़ेंगे। लेट अस गो टू द बुक ऑफ एफेशियंस चैप्टर 1 एंड द वर्स 9। आप लोगों के पास किसी के पास हिंदी बाइबल है तो उन जो शब्द में पढ़िए। प्लीज रीड इन हिंदी। एफेशियन की जो पत्री पहले अध्याय का जो है उसका एफेशियंस चैप्टर 1 वर्स 9। प्रेयर द पौलुस ने जो कारागृह से जो पत्री लिखी है उसमें से सबसे जो है श्रेष्ठ जो है एक पत्री है जो एफेशियन की जो पत्री। पौलुस रिटेन द लेटर्स फ्रॉम द जेल। दिस इज द बेस्ट लेटर रिटेन बाय हिम।
कलिशिया के बारे में बहुत सारा जो रहस्य बात जो है प्रेरित पौलुस ने जो है इस पत्र के द्वारा बताया हुआ है. There are so many things Paulus told about the congregation and the church. प्रेरित पौलुस ने जो 14 पत्री जो है लिखी गई है. Paulus wrote around 14 letters. उसमें से चार जो पत्री है जो कारागृह से जो लिखी गई है. Out of four were written by in the jail only. कौन सा जो पत्री है आपको मालूम है प्रिंस लॉर्ड? उसके जल्दी से जल्दी याद करने के लिए उसका एक क्वेश्चन है ईपीसीपी. There is one secret is there EPCP. इसका remember this. इसका मतलब है Ephesians, Philippians, Colossians and Philemon. Praise the Lord. EPCP भूलना नहीं है. Praise the Lord. Don't forget this ECPC. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. इस जो आय से हमने जो पढ़ा हुआ है जो परमेश्वर के जो कलिश्य है जानने के जो बात जो है बताया हुआ है. Praise the Lord. In this verse it is written what the Lord is saying about the writer is saying about the Lord what do we know about that the God. बहुत जो है Hallelujah. जो श्रेष्ठ जो बात जो है परमेश्वर कलिश्य को जानना चाहिए उसके बारे में यहाँ जो लिखी गई है. Praise the Lord. Best thing to know about God is written here. पांच अध्याय का जो 27 आयत में हम पढ़ते हैं इसी पुस्तक का जो पांच का जो 27 अध्याय में एक बार पढ़िए. प्रेस 27 चैप्टर रीड अबाउट इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27 और उससे प्रेज़ द लॉर्ड जो हमने पढ़ा हुआ है हालेलुया जो परमेश्वर का जो कलिशिया जो परमेश्वर ने जो स्थापित किया है वो अपने आखिरी बूंद लहू तक जो क्रूस पर जो बहाकर जो खरीदा हुआ चर्च कैसे है उसके बारे में जो हमने पढ़ा है इधर. प्रेज़ द लॉर्ड. इट इज रिटन हियर लाइक दैट गॉड हैज शेड हिज जीसस क्राइस्ट हैज शेड हिज ब्लड ओवर द क्रॉस एंड ही परचेज्ड द चर्च फॉर दैट. इंग्लिश में जो रेडियंट चर्च प्रेसल हाल एक तेजस्वी चर्च प्रेसल लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर ने जो है स्थापित किया हालेलुया. इस कलिशिया का जो स्थापक है यीशु मसीह है. Praise the Lord. God has established the radiant church and the base and fundamental of that church is Jesus Christ. मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय को जो 18वां पद में हम पढ़ते हैं हालेलुया तू पत्रोस है लेकिन इस पत्र में मैं अपना हालेलुया कलिशिया को हालेलुया बनाऊंगा अधोलोक का जो पाठक इसके ऊपर प्रभुदानी करेगा. Praise the Lord. In Matthew chapter 16 verse 18 the verse says like that Peter You are the stone. I will establish my congregation over you. Praise the Lord. The gates of the hell will not prevail over you. Amen. Praise the Lord. एक बार उस आयत को पढ़िए. Praise the Lord. 16 अध्याय का जो है 18 आयत. Please read Matthew 16:18. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलिसिया बनाऊंगा. और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल न रहेगा. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर को जो कलिशिया के ऊपर अधोलोक का जो फाटक कभी प्रभुदा नहीं हो पाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. ऑन द चर्च ऑफ द गॉड नो हेवन नो हेल्स गेट विल बी नो नो हेल्स ऑफ गेट्स विल प्रिवेल ओवर नो Prevail over the church. Prevail over the church of the God. Praise the Lord. Hallelujah. कलिशिया का जो मतलब है Praise the Lord. Hallelujah. जो मन फिरा होकर Praise the Lord. अलगदाई से जो जीवन बताते हैं उनका जो है Hallelujah. झुंड है परमेश्वर का जो कलिशिया है. Those who repent and come to the Christ, this that is the group of the church as a Christ. Hallelujah. पवित्र लोग होंगे जो पौलुस जो है कोरिंथी के जो पत्र में लिखा हुआ है Hallelujah. पवित्र लोग होंगे झुंड है परमेश्वर का जो कलिशिया. Paulus write in the letters of the Corinth, the holy people, the group of the holy people is the church. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें जो हमारे ऊपर जो सौंपा गया जो सबसे जो श्रेष्ठ बातें Praise the Lord. Hallelujah. तीमुथियुस की पत्री जो 4 अध्याय के जो 13वां वचन में हम देखते हैं Praise the Lord. Hallelujah. Timotheus chapter 4 verse 13 says like this. Hallelujah. हम
present the word to the world. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर ने जो आखिरी संदेश अपने चेलों को जो बताया गया, हालेलुया, तुम जाके हालेलुया सारे सृष्टि की ओर हालेलुया सुसमाचार सुनाओ. Praise the Lord. What the last commandment God has given to the people? Go and preach the word of the God to the world. हालेलुया. आप लोगों को मालूम है आज इस समय है इस दुनिया में कितने लोग हैं. Praise the Lord. There are so many people around the world. Praise the Lord. कितने लोग हैं. Praise the Lord. अंदाजा ये के जो है हालेलुया रिकॉर्ड है. Praise the Lord. इस दुनिया में 840 billion हालेलुया मनुष्य है. Praise the Lord. Presently the population of the earth is more than 8 billion people around here. Praise the Lord. ये 840 billion लोगों को तीन ग्रुप में जो परमेश्वर की वजन जो है बांट के रखा है. Praise the Lord. According to the word of the God, these 8 million people are divided into three groups. हालेलुया. कौन सा तीन ग्रुप है. Praise the Lord. What are these three groups? हालेलुया. पहले कोरिन्थी की 10वां अध्याय जो है 32 वचन में जो है कहा गया है. Praise the Lord. It is written First Corinthians chapter 10 verse 32. हालेलुया. यहूदी तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण. आमेन. थैंक यू सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये 840 करोड़ लोगों को परमेश्वर के वचन तीन ग्रुप में बांटा है. हालेलुया. एक ग्रुप है यहूदी, दूसरा यूनानी, हालेलुया, तीसरा जो परमेश्वर का कलीसिया है. प्रेज द लॉर्ड. दीस 8 बिलियन पीपल आर डिवाइडेड इनटू द थ्री ग्रुप्स. द वन इज द ज्यूज, अनदर इज द ग्रीक, एंड द थर्ड द पीपल ऑफ द God. Praise the Lord. आपको मालूम है हम कौन सा ग्रुप में हैं. Praise the Lord. You know in which group we belong to. हालेलुया. हम कितना धन्य लोग हैं. Praise the Lord. We are the blessed people. 840 करोड़ों से परमेश्वर ने हमें चुना है. Out of the 8 billion people, God has chosen us. Praise the Lord. हालेलुया. ये जो बात जो है हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए. Praise the Lord. परमेश्वर हमें क्यों चुना है. This we should understand and we should explore why God has chosen us. Praise the Lord. उसके पहले अध्याय में जल्दी से जल्दी हालेलुया आगे बढ़ना चाहता हूँ. जो एफेसियन के जो पुस्तक जो है पहले अध्याय में आई है. प्रेज़ द लॉर्ड. प्लीज कम टू द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 1. हालेलुया. पांच छह बातें इसमें बताया हुआ है, लेकिन मैं आज दो तीन बात आपके सामने रखकर जो है मैं अपने प्रचार को मैं समाप्त करना चाहता हूँ. उसके जो है तीसरे आयत से पढ़िए. प्रेज़ द लॉर्ड. प्लीज रीड द थर्ड वर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एफेसियंस. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें के स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी है. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने उसमें चुना है कि उसके निकट प्रेम के पवित्र और निर्दोष हों. आमेन. परमेश्वर ने हमें चुना गया, इसलिए हालेलुया हम पवित्र और निर्दोष बने. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. God has chosen us, so we have to sanctify ourselves and we should be blameless. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हम निर्दोष और निष्कलंक बने रहे. प्रेज़ द लॉर्ड. We should be blameless and without any point of any wrongdoings in our life. Praise the Lord. परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग की सभी आशीषों की हालेलुया आशीषों से परमेश्वर ने हमें दी दिया है. Praise the Lord. God has given us all the heavenly blessings. Praise the Lord. हालेलुया. और यहाँ जो हमने पढ़ा है हालेलुया संसार के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना गया. Praise the Lord. Before the formation of this earth and the world, God has chosen us. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर के जो वचन में हालेलुया संसार के उत्पत्ति का पहले जो तीन बात के बारे में बताया गया. प्रेज़ द लॉर्ड. बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड द थ्री थिंग्स आर मेंशनड हियर. बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड हालेलुया. जो संसार के उत्पत्ति के बाद जो पांच बात जो बताया गया और संसार के उत्पत्ति से पहले जो तीन बात जो बताया हुआ है उसमें से एक बात है आज हमने जो पढ़ा गया. प्रेज़ द लॉर्ड. हाल उत्पत्ति से जो पहले परमेश्वर ने हमें हालेलुया चुना है. प्रेज़ द लॉर्ड. बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द अर्थ एंड ऑल दिस थिंग क्रिएशन देयर आर थ्री थिंग्स एंड फाइव थिंग्स. आउट ऑफ दोस थ्री थिंग्स वन थिंग इज हियर. बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द लॉर्ड
God has chosen us. Amen. Praise the Lord. Hal permission ne hame hallelujah pagle se chun liya tha. Praise the Lord. God has chosen beforehand, before the creation of the world. लेकिन हालेलुया प्रकाशित वाक्य जो 17 अध्याय को आत्मा वचन में हम एक आयत पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड आपका कभी आप हम आपको और मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है मैं उसको जो बता के आगे बढ़ना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड इन केस ऑफ कंफ्यूजन आई वुड लाइक टू टेल यू वन वर्स दैट इज रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 8 वर्स 8 उसमें क्या लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 8 जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड के निकल पर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के कारण पृथ्वी में रहने वाले जिनका नाम जगत की उत्पत्ति के समय जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं है मैं हालेलुया जगत के उत्पत्ति के बाद जो है जीवन के किताब में जो है जिनका नाम नहीं लिखा है वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड इस पशु की यह दशा देखकर कि मैं कि पहले था और अभी नहीं और फिर आ जाएगा अचंभे रहना प्रेज़ द लॉर्ड क्यों हालेलुया उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना गया लेकिन जीवन के किताब में हमारा नाम जो है उत्पत्ति के बाद जो क्यों लिखा गया प्रेज़ द लॉर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड द लॉर्ड हैज चोजन अस बट आफ्टर द फॉर्मेशन आवर नेम्स वर रिटन इन द लाइफ बुक ओनली प्रेज़ द लॉर्ड व्हाई द लॉर्ड हैज रिटन दैट वन हालेलुया एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता सकता हूं हालेलुया हमें कोई कंपनी ने जो है इंटरव्यू करके उनके जो है इंटरव्यू में हमारा शॉर्ट लिस्ट में नाम लिखा गया प्रेज़ द लॉर्ड आई विल गिव यू एन एग्जांपल सपोज वन कंपनी इंटरव्यूड सम पीपल एंड शॉर्टलिस्टेड द वन और टू मेन हालेलुया उसके बाद कंपनी क्या करेगा हमारे लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा प्रेज़ द लॉर्ड देन कंपनी विल सेंड एन अपॉइंटमेंट लेटर टू द चोजन वन हाल कंपनी का जो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर हमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड एग्री है तो आप साइन करके भेजे ताकि जो कंपनी का जो है एनरोल करेगा उनका रिकॉर्ड में हमारा नाम प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया दैट अपॉइंटमेंट लेटर विल मेंशन सर्टेन कंडीशंस ऑफ द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी इफ यू अबाइड बाय दोस रूल्स एंड एक्सेप्टेबल टू यू प्लीज एक्सेप्ट इट एंड साइन इट एंड सेंड इट परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है ये नियम हो हम पालन करेगा तो हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड दिस इज द टर्म्स एंड कंडीशन रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड इज आर एक्सेप्टेबल टू अस देन आवर नेम्स विल बी रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ मैं जल्दी बोलना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड खत्म करना चाहता हूँ हालेलुया यहाँ जो है चारवां पद में हमने पढ़ा है हालेलुया संसार के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है प्रेज़ द लॉर्ड वर्स 4 सेज हियर इन द चैप्टर 1 किस पर्पस के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है फॉर व्हाट रीजन गॉड हैज चोजन अस हालेलुया व्यवस्था विवरण का किताब जो ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 7 का जो है छठवां पद में है हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 6 प्रेज़ द लॉर्ड पढ़िए प्लीज रीड द ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 6 क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के पवित्र प्रजा है यहोवा ने पृथ्वी भर से सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज वध आमेन हालेलुया प्रेज़ द निज प्रजा बनने के लिए परमेश्वर ने सारे हालेलुया पृथ्वी से आपको हालेलुया चुन लिया है प्रेज़ द लॉर्ड गॉड हैज चोजन यू फ्रॉम ऑल द अर्थ टू बी हिज ओन पीपल आमेन दूसरा जो है हम भजन संहिता 65 अध्याय का 4वां पद में हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अनदर अनदर वर्स इज देयर साम 65 वर्स 4 परमेश्वर के आंगन में वास करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना गया प्रेज़ द लॉर्ड टू लिव इन द कोर्स ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड गॉड हैज चोजन अस आमेन आज यहाँ हमारे लिए और कोई काम नहीं थे प्रेज़ द लॉर्ड आज हम यहाँ क्यों आए प्रेज़ द लॉर्ड व्हाई वी आर प्रेजेंट हियर टुडे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड उसका जो 65 साम 65 4 और उसके आगे जो पढ़िए प्रेज़ द लॉर्ड प्लीज रीड दैट साम 65 वर्स 4 एंड ऑनवर्ड्स
क्या ही धन्य है वह जिसको तूने चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में बसा रहे। वह हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंत्र उत्तम पादकों से तृप्त होंगे। परमेश्वर की भवन का जो है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें हालेलुया चुन लिया था। प्रेज द लॉर्ड गॉड हैज चोजन अस टू ब्लेस अस विद द गुड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उत्तम से उत्तम पदार्थ से तृप्त करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड गॉड हु ब्लेसेस अस विद द बेस्ट blessings, he is among us today. तीसरे जो बात है हालेलुया सुसमाचार 15 अध्याय का 4वां पद में हम देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वर्स वी विल गो जॉन 15 वर्स 4 क्या लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड जॉन 15 वर्स 4 हाँ तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। उसका प्रेज द लॉर्ड इफ यू अबाइड इन मी एंड आई इन यू देन ओनली यू कैन फ्लरिश इफ यू आर अवे फ्रॉम मी यू कैन नॉट फ्लरिश। उसका 16 आयत में क्या लिखा हुआ है। उसका 16 आयत 16 वर्स प्लीज रीड द 16th आल्सो। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैं तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि हालेलुया मैंने तुम्हें चुना है। आई हैव चोजन यू प्रेज द लॉर्ड क्या के लिए क्योंकि हालेलुया तुम जाके फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड यू हैव बीन चोजन जस्ट टू ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स। आमेन। परमेश्वर ने हमें जो चुन लिया उसके कारण है ये हम परमेश्वर के लिए फल जलाना है। प्रेज़ गॉड हैव चोजन अस द रीजन इज वी हैव टू ब्रिंग फ्रूट फॉर द लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यहां जो है परमेश्वर हमें इसलिए चुना है परमेश्वर के आंगन में वास करना है परमेश्वर की जो भवन का जो है हालेलुया अनुग्रह से हमें हालेलुया तृप्त होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। गॉड हैज चोजन अस टू लिव इन हिज कोर्ट्स एंड For his mercies he has chosen us. Praise the Lord. दूसरे जो बात है प्रेज द लॉर्ड मैं बोलना चाहता हूँ प्रेज द लॉर्ड उसका एफेसियन का जो पत्री पहले अध्याय का 18वां पद आप पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड Another verse is there, chapter 1, Ephesians, chapter 1, verse 18. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके भुलाने से मैं से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उससे ही मिरास की महिमा का धन कैसा हो। उसके आगे भी प्रेज द लॉर्ड 19 आयत भी और उसकी सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास कहते हैं कितना महान है और उसकी शक्ति का प्रभाव के कार्य और उसके कार्य के अनुसार। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उनका शक्ति का जो प्रभाव जानने के लिए परमेश्वर ने हमें जो बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड गॉड हैज कॉल्ड अस टू नो हिज इफेक्ट एंड पावर। हालेलुया परमेश्वर के जो हालेलुया बुलाहट का जो उद्देश्य को जानने के लिए परमेश्वर हालेलुया चाहता है। प्रेज द लॉर्ड गॉड हैज कॉल्ड अस टू नो हिज कॉलिंग। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का जो है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड माइटी पावर प्रेज द लॉर्ड असीमित जो शक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड वी हैव टू नो द माइटी पावर ऑफ द लॉर्ड व्हाट स्ट्रेंथ ही हैज। हालेलुया परमेश्वर के दास जो है पौलुस एक बहुत बड़ा जो है प्रेज द लॉर्ड प्रचारक था। प्रेज द लॉर्ड पॉल वाज द ग्रेट प्रीचर। हालेलुया देश देश में जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे। प्रेज द लॉर्ड प्रेरित पौलुस Different countries he has gone and preaching the word of God. लेकिन हालेलुया फिलिपियों के पत्र दूसरा अध्याय में वो एक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया उस प्रार्थना को हम देखें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Paul prays a prayer in the book of Philippians chapter 2. उसका तीसरा अध्याय के 10वां आयत में वो प्रेरित पौलुस जो प्रार्थना करते हैं। Philippians chapter 3 verse 10. ना 10वां आयत में प्रेज द लॉर्ड 10
और मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों की सहभागी होने में के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया, उनको मृत्युंजय का जो शक्ति को मैं प्राप्त करना, हालेलुया, उनको जानना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हियर द राइटर सेज आई वांट टू नो दैट पावर व्हिच इज विनिंग ओवर द डेथ and I know that might of the God. Praise the Lord. Punarudhvan ka jo shakti ko main janna chahta hum. Praise the Lord. I want to know the power of the resurrection of the God. Hallelujah. Punarudhvan ka shakti ke bare mein. Hallelujah. Romiyo ke patre 4 ka jo 17th vajan. Hallelujah. Wo bhi padhiye. Praise the Lord. Please refer to the Romans chapter 4 ka jo 17th vajan. Romans chapter 4 verse 17 that tells about the salvation of the power of the salvation and resurrection. Praise the Lord. इसलिए मैंने तिमोथियस जो प्रभु का मेरा प्रिय और विश्वस्त योग्य रोमियों के पत्र 4 का जो 17 वचन Romans 4 17 उस पर Praise the Lord, Hallelujah. उस परमेश्वर ने उनके सामने जिस पर उसने विश्वास किया, अब्राहम ने जो जिसके ऊपर विश्वास किया उसके शक्ति के बारे में यहाँ जो बताया गया, Praise the Lord, Hallelujah. क्या लिखा हुआ है? जो मरे हुओं को जिलाता है, Praise the Lord. It is written here, for the people, those who died, God raised them up. For that power of the raising is mentioned over here. Hallelujah. और जो बात हैगी नहीं उनके नाम ऐसे लेते हैं मानो वो है. Praise the Lord. And those things which are not here, it claims the name of those things that they are in existence over there. Praise the Lord. मरे हुओं को जलाने वाला जलाते हैं वो ही हमारा परमेश्वर है. Praise the Lord. Our God is a God, a mighty God. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. आज प्रेज़ द लॉर्ड, उसका जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफर है मलयालम और हिंदी में. प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ जो लिखा हुआ है 17 में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ हिम हुम ही बिलव्ड इवन गॉड हु गिव्स लाइफ टू द डेड. प्रेज़ द लॉर्ड. हाल जो मरा हुआ होंगे, हालेलुया, जीवन देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया, हमारे परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. लाइव्स टू द डेड. हालेलुया. आज हमारे जीवन में कोई आशा टूट चुका है, अभी कोई आशा नहीं है, ऐसे कोई अनुभव है तो आज परमेश्वर के आत्मा हमसे बातचीत करते हैं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उनको जीवन देने के लिए हमारा परमेश्वर सक्षम है. प्रेज द लॉर्ड. इफ वी आर होपलेस इन आवर लाइव्स, गॉड इज देयर ready to give us the hope and life. Amen. Praise the Lord. कई जो बात है, हालेलुया, परमेश्वर की उसका जो है एग्जाम्पल परमेश्वर के वजन से बोलने के लिए है, लेकिन समय हालेलुया हम समाप्त हो गया. प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मैं यहाँ हम समाप्त करना चाहता हूँ. प्रेज़ द लॉर्ड. There are so many things to be told, but the time is limited, so I want to finish my work. Praise the Lord. जो आप और हम जो आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत करने वाला परमेश्वर है. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. हम परमेश्वर को हालेलुया आराधना देते हैं. परमेश्वर हमारे आराधना में प्रसन्न होकर हमारे जीवन में अद्भुत करने वाला परमेश्वर है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. मैं यहाँ हम समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हमारे लिए क्या किया है उसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए. प्रेज़ द लॉर्ड. गॉड हैज डन फॉर अस, वी शुड नो दैट. हालेलुया. अनेक लोगों के बीच में से परमेश्वर ने हमें अपने निज प्रजा बनाया. प्रेज़ द लॉर्ड. अमंग द बिलियंस गॉड हैज चोजन अस टू बी हिज ओन पीपल. हालेलुया. आगे परमेश्वर ने हाले परमेश्वर के मेरे से पहले जो बात किया परमेश्वर के दास ने, हालेलुया, ये संदेश दिया है. हालेलुया. परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या तैयार कर रहे. प्रेज़ द लॉर्ड.
My previous orator has also said that what the God has done for us also. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. हमारे लिए एक वास स्थान बनाने के लिए हमारे परमेश्वर हाले गया हुआ है. Praise the Lord. God has gone to create a house for us. Praise the Lord, hallelujah. उस hallelujah जगह में praise the Lord ले जाने के लिए हमारे परमेश्वर जल्दी आने वाला है. Praise the Lord. To take us to that mansion, God is very soon to come here. Hallelujah. हम उसके लिए तैयार होना है. Let us be ready for that coming. Hallelujah. अभी hallelujah हमारे hallelujah बीच में तैयार किया हुआ प्रभु भोज हमसे बातचीत करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. द लॉर्ड ऑफ द टेबल ऑफ द लॉर्ड इज बिफोर अस एंड दैट इज टॉकिंग टू अस. ये हमसे क्या बात करते हैं. हालेलुया. हमारा प्रभु जो अभी तक आया नहीं है लेकिन अभी जल्दी आने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. अप एंटिल गॉड हैज नॉट कम बट जीसस विल बी कमिंग शॉर्टली. प्रेज द लॉर्ड. उसके लिए हमें तैयार होना है. वी शुड बी रेडी फॉर दैट. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर के दास ने हालेलुया कुछ घरों के बारे में बताया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड हैज मेंशनड सम हाउसेस. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वहाँ निर्गमन की पुस्तक में हम एक घर के बारे में देखते हैं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हाउस ऑफ स्लेव. प्रेज द लॉर्ड. वहाँ से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है. इन द बुक ऑफ एक्सोडस वी सी ए हाउस गॉड हैज टेकन आउट पीपल फ्रॉम दैट हाउस. हालेलुया. पापों से हालेलुया डूबा गया. हालेलुया. अनुभव से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है. प्रेज द लॉर्ड. फ्रॉम द सिंस गॉड हैज रिडीम्ड अस एंड गॉड वांट्स टू डू मेनी मोर थिंग्स एंड गुड थिंग्स फॉर अस. हालेलुया. दास तो गर्व से परमेश्वर ने छुड़ाया. कहां लेके आया. हालेलुया. श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय का चारवां पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने हमें भोज का कर लेके आया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हैज टेकन आउट अस फ्रॉम द बॉन्डेज एंड ही हैज ब्रॉट अस टू द हाउस ऑफ द वेडिंग. बैंकेटिंग हॉल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. वीन वीटले कवन में कूटी कोंड वन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. उस घर का जो अनुभव है. प्रेज द लॉर्ड. सब लोग आनंद होकर हालेलुया परमेश्वर के भवन में बैठना है. प्रेज द लॉर्ड. इन दैट बैंक्वेट हॉल वी हैव टू बी वेरी रिजॉइसिंग एंड सिट प्रॉपर्ली एंड एंजॉय द थिंग्स ऑफ. वो ये परमेश्वर का आलय है. प्रेज द लॉर्ड. दैट इज द लव ऑफ द गॉड एंड इंटेंशन ऑफ द लॉर्ड. लेकिन सेकंड कॉरिंथी चैप्टर 5 में लिखा हुआ है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अभी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक श्रेष्ठ जो है घर हमारे लिए परमेश्वर तैयार किया. हालेलुया. उस घर में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हम जाने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. सेकंड कॉरिंथियन चैप्टर 5 सेज द गॉड लॉर्ड हैड प्रिपेयर्ड अ मेंशन फॉर अस एंड वी आर अबाउट टू गो टू दैट मेंशन. प्रेज द लॉर्ड. उसके लिए हम तैयार हो जाए. प्रेज द लॉर्ड. वी शुड बी रेडी फॉर दैट. हालेलुया. प्रभु इस वचनों से आप सभी को आशीष दे. प्रेज द लॉर्ड. मे गॉड ब्लेस अस विद दिस वर्ड. इतना समय हालेलुया मुझे दिया हुआ परमेश्वर का दास और कलीसिया को मेरे दिल के गहराई से धन्यवाद बोलकर मैं बैठना चाहता हूँ. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. पास्टर एंड चर्च हैज गिवन मी दिस टाइम फॉर preaching the word of God. I thank you each of everyone from the bottom of my heart. Thank amen. You. God bless you. Amen. Amen. Shall we praise